ये शानदार भावुक और प्रेरणादायक इंस्टाग्राम रील वीडियो बनाई है अनुप्रिया ने, जो JNU में इंग्लिश में MPhil शोध कर रही हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 22,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। पूरे अम्बेडकराइट समाज में आग की तरह वायरल हो गई है ये वीडियो। अनुप्रिया ने ये वीडियो दिल्ली सरकार के डॉक्टर अम्बेडकर फेस्टिवल के लिए बनाई थी, जो बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में रखा गया था। इसमें बाबा साहेब और समानता की थीम पर एक कॉम्पिटिशन में आर्टिस्ट द्वारा वीडियोज, रील्स और चित्रों की एंट्रीज मंगवाई गई थी। ये रील उसी का हिस्सा है और अब टॉप 10 एंट्रीज में पहुंच चुकी है ये। हमने अनुप्रिया से खास तौर पर बात करी, उनके सामाजिक मुद्दों पर चित्र और इन रील्स के बारे में, वीडियोस बनाने के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से कैसे प्रेरणा मिलती है उन्हें भी और आज के युवाओं को। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अनुप्रिया के चित्र हैं। आप चाहे तो ये सब उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अम्बेडकरवादी आर्टिस्ट, क्रिएटिव आर्टिस्ट, जिनके बारे में नहीं पता चलता, पर हम आपके लिए स्पेशली हमने अनुप्रिया से बात करी। जानिए उनके सफ़र के बारे में, उनके आर्टिस्टिक, उनकी आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में। जब आपको बचपन से बताया जा रहा है कि यू आर नॉट, आई मीन लाइक सारे इंस्टीट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि यू आर नॉट वर्दी इनफ, एंड यू नो इवन इफ यू हैव सम अचीवमेंट्स, यू आर टोल्ड दैट it is, you're not, you don't have the merit for it, this idea of merit that Savarnath had created. And so main bas yahi chah rahi thi ki ye matlab ek dalit bahujan insaan ke liye wo ek samanta ka matlab kya hota hai aur us samanta tak wo insaan pahunchta kaise hai, and this idea of blue as well, dalit movement ke liye the color blue is very important. एंड ब्लू फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, एंड बाबा साहेब के आइकॉनिक ब्लू कोट वो तो है ही। एंड जैसे स्कूलों में तो क्या होता था, कास्ट के बारे में बातें नहीं होती थी, बात मतलब इट यूज़ टू बी अ वेरी हश हश थिंग कि मतलब बात मत करो, बात करेंगे तो ये कास्टिज्म हो जाएगा, बट बात ना करना सबसे बड़ा कास्टिज्म है। एंड होता सब कुछ था, मतलब इनइक्वालिटीज़ भी होती थी, बट बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट लैंग्वेज टू पुट इट ऑल टुगेदर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग, द लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस दैट वर हैपनिंग टू मी बैक देन, एंड कई बार कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती थी लेकिन पता नहीं चलता था कि ये किस कारण से हुआ। एंड एज यू grow up and you learn about things and you realize, oh, these were the reasons and these are the things that are happening. कि अरे तुम तो कोटा से हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, अरे वो तो SC है, वो तो SP है, ये है, ये बातें जो हश हश तरीके से फ्रेंड्स में चलती रहती है। कई बार लोग आपके बारे में जानते नहीं हैं तो वो आपके सामने ही बात कर लेते हैं। अगर अम्बेडकर के बारे में बताया भी जाता है तो एक लाइन होती है कि इज यू नो इज द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू जस्ट डू अवे विद इट। महात्मा फूले के बारे में नहीं बताया जाता, कितने लोग के बारे में, मतलब ग्रोइंग अप यू डोंट हैव रोल मॉडल्स एंड यू डोंट हैव द लैंग्वेज टू आर्टिकुलेट व्हाट यू आर फीलिंग। अपनी लिटरेचर की पढ़ाई को इसके लिए बहुत मायने, मतलब इम्पोर्टेंस दूंगी, क्योंकि यहीं पर से मेरा जो क्रिटिकल बेंट है वहाँ से शुरू हुआ, एंड यहीं से मैंने अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ना शुरू किया एंड अपनी हिस्ट्री जानी, अपना कैसे कितना ऑपरेशन, कितना शोषण हुआ है सब जाना। एंड वंस यू नो ऑल ऑफ दैट देन यू आर बेटर इक्विप्ड टू कनेक्ट विद योर आइडेंटिटी एंड यू हैव, मतलब बाबा साहेब की राइटिंग से आपको ये भी कॉन्फिडेंस और ये पता चल जाता है कि मतलब क्या चीज़ क्या है, और आप लोगों से भी कैसे, मतलब अगर कोई कास्टिज्म और इस सब के बारे में बात कर रहा है
कर रहा है या कुछ बोल रहा है आपसे, तो आप उसे कैसे जवाब दें, क्या करें। तो ये चीज़, मतलब ये गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रही है मेरी लाइफ में। एंड यही मैं दिखाना चाहती थी बेसिकली, कि एक जर्नी थी, एक हेजिटेंट, एक वेरी टिमिड पर्सन, जो सोसाइटी बना देती है हमें इन इक्वालिटीज़ के कारण, एंड हाउ यू सॉर्ट ऑफ, मतलब उसके बाद से आप कैसे आगे जाते हैं। एंड मैं सब मुद्दों पे बनाती हूँ, आई वर्क, आई फेमिनिज्म, जेंडर इश्यूज, LGBTQ, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मैं अभी करेंटली आई एम वर्किंग MPhil में, जो मेरा डिसर्टेशन है, मैं काम कर रही हूँ मेंटल इलनेस कैसे रिप्रेजेंट होती है ग्राफिक नैरेटिव्स में। तो मैं उनके उसके बारे में भी बात करती रहती हूँ, मेंटल इलनेस, अपने डिप्रेशन के बारे में, एंड सो अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज, बट समटाइम्स फन इश्यूज, फन थिंग्स एज वेल, एंड सिंपली अबाउट डिजाइनिंग एंड आर्ट एंड बेसिक थिंग्स। तो ये थी अनुप्रिया, ये शानदार। उन्होंने हमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताई, कैसे जातिवाद से लड़ा उन्होंने, सीखा कैसे हर इंसान लड़ सकता है, सीख सकता है बाबा साहेब के ज़रिए। बाबा साहेब के इस सम्मान में हम जितनी बातें कहें वो तो कम ही है। तो ये वीडियो आप सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये 22,000 लोगों ने देखी है, हम चाहते हैं ये 22 लाख लोग देखें या उससे भी ज़्यादा लोग देखें। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए, जैसे हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।